बेंगलुरु में आरएसएस की मुस्लिम शाख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इजलास मुनक्कद हुआ। मंच की जानिब से मुल्क भर में हम मजबूत भारत मजबूत के उन्वान पर 9 जून से 2 अक्टूबर तक मुहिम चलाई जा रही है। इसी की एक कड़ी बेंगलुरु में मुनक्कद हुई। हजरत हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में मुनक्कदा इस इजलास में आरएसएस और बीजेपी के लीडरान शामिल रहे। बेंगलुरु के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर एएस खान ने मीडिया को बताया कि मुस्लिम मंच का मकसद हुकूमत की जानिब से मिलने वाली तमाम सहूलियात को मुसलमानों तक पहुंचाना है। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और बीजेपी के जानिब से आपस में हम सभी मिलकर हमारी कौम को क्या तरीके से सुधार ला सकते हैं, ये लोग बिना कोई डर खौफ के आगे आके अपना कारोबारी कैसा कर सकते हैं, इसके लिए हम इधर जमा हुए हैं। हम यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और बीजेपी के तरफ से माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या गवर्नमेंट के जानिब से जो कम्युनिटी के लिए जो रिजर्व किए हैं फैसिलिटीज़ और प्रोविजंस, उसको दिलाने में हम बिल्कुल हम लड़कर इंसाफ दिलाएंगे। ये प्रोग्राम चल रहा है हम मजबूत भारत मजबूत, ये मोमेंट चल रहा है तो 9 जून से शुरू हुआ है जो अगले 2 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है, उस मोमेंट के ये इसके लिए एक प्रोग्राम ये चल रहा है। हम मजबूत और भारत मजबूत, हम सारे एक मजबूत हो जाएं तो पूरे हिंदुस्तान ही मजबूत हो जाएगी, तो भारत मजबूत होगा, तो भारत मजबूत हुआ तो पूरे दुनिया में भारत का बोलबाला होगा, ये मकसद से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। का जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जो है एक मुसलमानों को आगाह करने के लिए है कि आरएसएस जो है उसकी एक शाख है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। राष्ट्रीय आरएसएस जो है सिर्फ भारतवासी हैं, भारत स्वयं सेवक हैं, इनकी मंशा ही है सेवा करने का है। तो भारतवासी के हिसाब से कि मुसलमानों को जो है जो आरएसएस के ताल्लुक से गलत फहमियाँ हैं, जो एक डर है, वो डर निकालने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाए गए हैं, तो इसमें जो है ये बहुत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं।